नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए द्रौपदी मुर्मू जी की एक बायोग्राफी लाया हूँ, जिसमें मैं आप लोग को बताऊँगा कि कैसे उन्होंने एक अपने अपने करियर की शुरुआत एक टीचर से स्टार्ट करके आज वो देश की राष्ट्रपति बन चुकी है, और बताऊँगा उनके थोड़े जीवन के बारे में। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी की बायोग्राफी। दोस्तों, जैसे कि हमको पता है कि जो मुर्मू जी है वो एक इंडियन पॉलिटिशियन है, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है 25 जुलाई 2022 को। दोस्तों, क्या आपको पता है मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। जो पहली महिला राष्ट्रपति थी उनका नाम है, वो थी प्रतिभा पाटिल, और जो मुर्मू जी है वो दूसरी है। और मुर्मू जी दूसरी तो राष्ट्रपति है महिला कैटेगरी में, लेकिन वो आदिवासी समूह से आने वाली पहली महिला है जो कि भारत की राष्ट्रपति बनी है। बात करें उनके निजी जीवन की, तो उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। एक संथाली परिवार में हुआ था, रायरंग के बेड़ापोसी इलाके के ऊपर बेड़ा गांव में हुआ था। दोस्तों, उनके पिता का नाम बिरंची नारायण मुंडू था, जो कि एक किसान थे, और उनके पिता और दादा ग्राम परिषद के पारंपरिक मुखिया भी रहे। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो मुर्मू जी जिनको आज हम द्रौपदी मुर्मू के नाम से जानते हैं, उनका नाम जो ओरिजिनल नाम था वो पुती डुडू था। उनकी जो टीचर थी उन्होंने उनका नाम बदल के द्रौपदी रख दिया था, और बाद में इन्होंने रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से बीए करने के बाद इन्होंने श्याम चरण मुर्मू से शादी की। उसके बाद जाकर इनका नाम द्रौपदी मुर्मू पड़ गया। दोस्तों, शादी के बाद इनके दो बेटे और एक बेटी हुई थी। और दोस्तों, इनके निजी जीवन में एक ऐसे कठिनाई का मोड़ है कि जिससे बहुत कम लोग ही उभर पाते हैं। एक 7 साल की अवधि में 2009 से लेकर 2015 के बीच इनके पूरा लगभग पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। खैर, मुर्मू जी ने अपने आप को संभाला और अपने आप को देश के प्रति समर्पित रखा, देश के कार्यों में समर्पित रखा। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके अर्ली करियर की, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की। दोस्तों, मुर्मू जी ने अपने करियर की शुरुआत सन 1979 से की, एक कलर की नौकरी करके सिंचाई विभाग में। 1979 से लेकर 1983 तक वो सिंचाई विभाग में ही उन्होंने काम किया। उसके बाद जाके 1997 तक वो एज अ टीचर काम करती रही। 1997 से स्टार्ट होते उनके पॉलिटिकल करियर की, राजनीतिक करियर की। उनके राजनीतिक जीवन में 4 चांद लगाते हुए वो सन 2000 से लेकर सन 2009 तक वो 2 बार विधायक बनी उड़ीसा के रायरंगपुर की। इस विधायक के पद पर होते हुए मुर्मू जी ने 2007 में उनको नीलकंठ अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट MLA, फॉर सबसे बढ़िया विधायक होने के लिए उनको नीलकंठ अवार्ड दिया गया। उसके बाद क्या होता है, तो BJP और BJT का जो गठबंधन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से 2009 के इलेक्शन में मुर्मू जी हार जाती है। लेकिन वो इलेक्शन में हार जाती है अपने जीवन से नहीं, वो अपने जीवन को राजनीतिक करियर में आगे बढ़ाती रहती है। दोस्तों, 2013 से 2015 तक मुर्मू जी भाजपा की नेशनल एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मतलब जिला अध्यक्ष रही। और दोस्तों, 18 मई 2015 को मुर्मू जी झारखंड की पहली महिला गवर्नर बनी। 15 से 2021 तक मुर्मू जी एज ए गवर्नर रही, और उसके बाद BJP की तरफ से वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं उसमें कोई भी आम आदमी वोट नहीं डालता, उसमें हम लोग वोट नहीं डालते हैं, उनको वोट डालते हैं हमारे द्वारा चुने गए MLAs और MP वगैरह। और इसमें भी एक ट्विस्ट है, अगर हम लोग जैसे वोट डालते हैं MLA MP को, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक आदमी का एक वोट काउंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या होता है, जो MLAs होते हैं वो अलग अलग MLA के हिसाब से उनके वोट काउंट अलग अलग होते हैं। मतलब किसी MLA ने, अगर किसी एक MLA ने वोट किया तो उसका वोट काउंट 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब अलग अलग स्टेट के MLAs के ऊपर डिपेंड करता है। 21 जून 2022 को मुर्मू जी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत कर बन गई भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अभी आप सोच रहे हो कि मैंने आपको दो डेट बताया, पहले 25 बताया, अभी 21 बताया, तो मैं आपको बताता हूँ 21 जुलाई को क्या हुआ कि रिजल्ट आ गया कि मुर्मू जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुकी है, और 25 जुलाई को उन्होंने शपथ ले लिया राष्ट्रपति होने का। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी ख़त्म होती है मुर्मू जी की बायोग्राफी। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलता एक और ज्ञान से भरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।